सो हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम विश्लेषण करने वाले हैं कि ये जो गोयनका जी थे, जो विपासना मेडिटेशन सिखाते थे, इन्होंने ओशो को क्यों बेचारा कहा था। हाँ, क्या ओशो सच में बेचारा है? भौतिक दृष्टि से पूरे शहर का मालिक, 800 से ज्यादा कृति का रचयिता, चित्त विरोध के लिए सक्रिय ध्यान के आविष्कारक, करोड़ों के गुरु ओशो रजनीश को आपने कल बेचारा कहा। क्या करें, जो बेचारा है उसे बेचारा ही कहेंगे ना। बहुत समझदार व्यक्ति, बर्मा से आते ही 15 दिन के भीतर भीतर उसके साथ भेंट हुई, क्योंकि हमारे एक बहुत अच्छे मित्र सेठ गोविंद दास, जो हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष रहे और बर्मा बार बार आते थे, तो हमारा उससे अच्छा संबंध था। उनका पुत्र, उसका देहांत हो गया तो बहुत दुखी हुए, विपश्यना में आ नहीं सकते थे बर्मा, तो इनके एक शिविर में गए। 3 दिन के शिविर में गए, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, तो हमें चिट्ठी लिखी कि भाई, मैं एक शिविर में गया, ऐसा एक रजनीश नाम का व्यक्ति है, हमें वहां कुछ नहीं मिला, बोलता बहुत अच्छा है, उसकी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन कोई टेक्निक उसके पास ऐसी है नहीं जो मन को शांति दे सके। आप लोगों का परेशानी ही यही है कि आप लोग टेक्निक से, किसी विधि से अपने मन को शांत करवाना चाहते हैं। इससे आज तक कोई भी शांत हुआ नहीं है, ठीक है। कोई भी टेक्निक ले लो, वो टेक्निक आपको शांत नहीं करवाता है। वो टेक्निक बस आपके अंदर का जो भी आवाज था उसे छिपा देता है, उसे बस दबा देता है। वो आपको वो शांत नहीं दे रहा है, आपको शांति का बस भ्रम दे रहा है। कोई भी टेक्निक हो, ठीक है, जो भी शांति को ढूंढ रहा है उसे किसी भी टेक्निक में फंसना नहीं चाहिए, ठीक है। आप लोगों का परेशानी ही ये कि आप लोग टेक्निक से अपने मन को शांत करवाना चाहते हो। मैं जिस वक्त मद्रास था उसी वक्त ये व्यक्ति भी मद्रास आया हुआ था, और जिसके घर में ठहरा था उसके घर का एक व्यक्ति बर्मा रहने वाला था, और इसलिए उसका बर्मा से मेरा संबंध था। तो उसने चर्चा की उनसे कि बर्मा से हमारा मित्र आया है, जो वहां से विपश्यना की विधि लेकर आया है, और इस विधि को अब वो सिखाने के लिए यहां शिविर लगाना शुरू किया। उसने बहुत आतुर हुआ, उसे बुलाओ हम मिलेंगे। तो मैं भेंट हुई उनसे, बातचीत हुई, तो आनापान कैसे किया जाता है ये सारी बात समझाई, विपश्यना क्या होती है ये समझाया। उसके पहले भारत में विपश्यना शब्द तक नहीं था, कोई जानता तक नहीं था। बात शुरू की, 4 तरह की विपश्यना की बात की, तो एक तरह की आनापान की, 4 तरह की बात की, तो एक तरह का आनापान बर्मा में ऐसा चलता है, सांस बहुत तेज लो, बहुत तेज लो, और इतना तेज लो कि थक जाओ, इतना थका लो अपने आप को जोर से भस्त्रिका के प्राणायाम करते करते, और फिर कहो लेट जाओ तो बड़ी शांति मिलेगी। अरे इतना थका लिया शांति मिलेगी, ये कैसी शांति। तो कहता बस यही ठीक है, ये बहुत ठीक है, और उसके दूसरे दिन शुरू कर दिया। तो भाई, इतना समझदार आदमी होकर के भी सारी बात समझता है, फिर अपने आदमी भेजता है, 2 भेजता है, 4 भेजता है, 10 भेजता है, जाके विपश्यना सीखो। हमको मैसेज भेजता है उनके जरिए कि इनको भी विपश्यना सिखाओ। हम कहते हैं हमारे यहाँ नियम है, उन नियमों का पालन करेंगे तो सिखाएंगे। अच्छा, नियम का पालन करेंगे, ये गले में माला लगाते हो, हम नहीं लगाने देंगे। अच्छा, माला भी निकालो, उनको हुक्म दिया जो जाते हो वहां पर जैसे गोयनका कहता है वैसे ही करो। हमने कहा जब तक पक नहीं जाओ सिखाने का काम नहीं करना। पर उनको जल्दी थी, अपने डिपार्टमेंट स्टोर में एक काउंटर विपश्यना का भी खोलना था, तो खोल दिया बिना ही समझे हुए कि विपश्यना किन गहराइयों में ले जाती है, कैसे ले जाती है, अपना अनुभव नहीं है, गलत बात हुई। तो इसलिए बेचारा कहते हैं कि इतनी बड़ी धर्म की, मुक्ति की, विद्या के समीप पहुंच करके भी, और उसने स्वयं नहीं सीखा, और लोगों को सिखाने के लिए सही विद्या उसने नहीं ग्रहण की, तो बेचारा ही है ना, और क्या है। तो दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर समझना होगा कि ओशो ने ऐसा क्यों किया। हाँ, आप लोग यहाँ पर इसे ध्यान से सुनना होगा, ठीक है। तो ओशो को ये पता है कि ये विधि से, टेक्निक से मन शांत होने वाला नहीं है। हाँ, ओशो को ये पता था, और ओशो के ये लोगों की मन के बारे में पता था कि मन का नेचर ही ऐसा होता है, उसे इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। हाँ, तो इसीलिए ओशो ने उस विपासना मेडिटेशन को सीखने के लिए भेजा, क्योंकि लोग अब उसी को देखकर ही तो अट्रैक्ट होते हैं। हाँ, लोगों को तो इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए ना, तो इसीलिए ओशो ने ये विपासना मेडिटेशन को सीखने के लिए भेजा, क्योंकि लोग इसी को ही देखकर अट्रैक्ट होते हैं, बस इतना ही है, ठीक है। तो वहाँ पर जब लोग आएंगे तो उन्हें
विपासना से ट्रांसफॉर्म करके धीरे 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 उस सत्य तक पहुंचा जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने विपासना सीखने के लिए भेजा था, ना ही लोगों को विपासना सिखाने के लिए नहीं, ठीक है, बस लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि तुम आओ मेरे पास। हाँ, मैं जब सत्य बांट रहे हो तब तो तुम लोग नहीं आए हो, तो अब मैं तुम लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा जिसे तुम लोग अट्रैक्ट हो जाओगे और तुम लोग मेरे पास आओगे, तब मैं तुम्हें सत्य बांटूंगा फिर, ठीक है। तो ये था ना लॉजिक तो इसके पीछे, उनको ये विपासना सिखाना थोड़ी था। हाँ, तो इसीलिए तो उन्होंने ये विपासना पूरी तरीके से नहीं सीखा। हाँ, सीखने का ज़रूरत ही नहीं था, क्योंकि इसका कुछ मूल्य ही नहीं है। हाँ, जिसने भी आज तक विपासना नहीं किया है वो लोग भी तो सत्य तक पहुँचे हैं, वो लोग भी तो पूरी तरीके से शांत हुए हैं, शून्य हुए हैं ना। हाँ, ये बस लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए था, ताकि तुम आओ और तुम्हें मैं विपासना से ट्रांसफॉर्म करके धीरे 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 उस शून्य तक पहुँचाऊँगा, उस शांति तक पहुँचाऊँगा। कहाँ उन्हें अब आप बेचारा कह रहे हो यार, होने को तो वो बेचारा ही है और सबसे महान भी है। हाँ, क्योंकि वो तो कुछ भी नहीं है, उन्हें आप कुछ भी कहो इससे फर्क तो कुछ पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। पर आपको ये बात समझना होगा कि उन्होंने विपासना सीखने में इतना जल्दी क्यों किया था, क्योंकि उन्हें विपासना सिखाना ही नहीं था ना, उन्हें तो सत्य सिखाना था। दोस्तों, आज के इस वीडियो बनाने का मूल उद्देश्य ही यही था कि आप लोगों का मन में जो भी वो कन्फ्यूजन है उसको लेकर उसे क्लियर करना था। तो शायद अब मुझे लगता है कि आप लोगों का वो कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो लाइक करो और कमेंट में बताओ यार, और अगर अच्छा लगा है वीडियो तो सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।